इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के तत्वावधान में 5 दिवसीय 7वीं राष्ट्रीय दृष्टिबाधित एवं मूक बधिर जूडो प्रतियोगिता सब जूनियर व जूनियर एवं सीनियर आयु वर्गों की प्रतियोगिता का शुभारंभ 19 जनवरी को गोरखपुर क्लब के हाल में किया गया। प्रतियोगिता के संबंध में पूरी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया कि इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो 7वीं राष्ट्रीय दृष्टिबाधित मूक बधिर जूडो प्रतियोगिता सब जूनियर जूनियर ब्लॉक व बालिका एवं सीनियर पुरुष व महिला आयु वर्गों के दृष्टिबाधित एवं मूक बधिर की विभिन्न वर्गों में खेली जाएगी। ये प्रतियोगिता अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के नियमों का पालन करते हुए गोरखपुर क्लब सिविल लाइन गोरखपुर में 19 जनवरी से 22 जनवरी खेली जाएगी। इस प्रतियोगिता में लगभग 650 खिलाड़ियों एवं तकनीकी अधिकारियों के भाग लेने की संभावना है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया। और एक 8 साल पहले एक संस्था बनाई जो कोई फेडरेशन नहीं थी, तो इकट्ठा हुए हैं। और सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे बीच टूर्नामेंट 8 टीमें आ गई हैं। 18 हम लोग कल से गोरखपुर क्लब पूर्वी लॉन में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें करीब 18 जो है प्रदेशों से 650+ खिलाड़ी और टेक्निकल ऑफिशियल और ऑफिशियल भाग ले रहे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जबकि पूरी व्यवस्था रहने की और खाने की हम लोगों ने यहाँ कराई है। मुझे खुशी है, यहाँ 3 दिन 19, 20 और 21 3 दिन यहाँ जो उत्तर प्रदेश ब्लाइंड एंड पैरा जूडो के माध्यम से कार्यक्रम मनाया जा रहा है, ये तो पूरा प्रदेश का इवेंट होगा। नेशनल लेवल में करीब 18 राज्य से पार्टिसिपेंट यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, विभिन्न कैटेगरी से कंपटीशन होता है। खासतौर पर जो दिव्यांग बच्चे हैं, मूक बधिर बच्चे हैं और जो नेत्रहीन बच्चे हैं, इन्हीं लोग का इस पर जो पार्टिसिपेशन एक्सक्लूसिव होता है, यानी उन्हीं लोग का पार्टिसिपेशन का है, पैरा जूडो का है उसका। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 700 से 800 बच्चे के आसपास ये पार्टिसिपेट करेंगे, विभिन्न राज्य से, दक्षिण भारत से, ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से। इस पर विभिन्न कैटेगरी भी रखा है, करीब 38 कैटेगरी है उस पर हम लोग गोल्ड और सिल्वर और ब्रांज मेडल अलग अलग कैटेगरी में देंगे। उसके 10 साल के ऊपर का बच्चे का इस पर श्रेणी है, 10 साल से 15 एक कैटेगरी है, 15 से फिर 20 साल है, फिर 20 के ऊपर का कैटेगरी है। उस पर फिर महिला का, पुरुष मतलब लड़की का अलग है, पुरुष का अलग है, और इसी टाइप के विभिन्न कैटेगरी का है। ये 3 दिन चलेगा लगातार, हम लोग के घर में गोरखपुर में हम लोग इसको होस्ट कर रहे हैं, ताकि यहाँ भी जो दिव्यांग बच्चे हैं और जो भी दिव्यांग से जुड़े हुए बच्चे, उन लोग का ऐसे मंच मिलता नहीं है। ताकि जो खिलाड़ी लोग का है, हमेशा हम लोग मन में रहता है खिलाड़ी है तो ठीक है, शरीर पूरा है तो तब वो खेल सकते हैं इसी टाइप का, बट धैर्य से पैरा ओलंपिक्स अलग चलता है, उन लोग का अलग ओलंपिक्स भी होता था दिव्यांगजन का। जो भी दिव्यांग होता है उन्हीं लोगों को भी अलग स्पोर्ट्स का इवेंट होता है। बहुत दिव्यांगजन बच्चे का जो मन लगता है जो स्पोर्ट्स में, उस पर खिलाड़ी के रूप से, बट उन लोगों को बढ़ावा नहीं मिलता है, उन लोगों को मंच नहीं पता है किस मंच पे कैसे जाना है आगे, उसके एक तरफ से एक मंच हम लोग दे रहे हैं। इसी पे जो कितने दिव्यांगजन है उन्हीं का जो मन में जो भी आपका स्पोर्ट्स का इच्छा है, जाहिर करने चाहते हैं उसको, एक मंजिल ढूंढते रहते हैं, उन लोगों के एक अच्छा पहल है एक तरफ से, एक मंच उन लोगों के सामने हम पेश कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो मार्शल आर्ट ऐसे जुड़ा, जैसे मार्शल आर्ट में जुड़ने में उनका आत्मविश्वास अच्छा से बढ़ता है, वो बच्चे का वो अपने ज़िंदगी में भी उसको रिफ्लेक्ट करता है, जो उनका आत्मविश्वास यदि बच्चे का अच्छा होता है फिर उनके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा बच्चे, उसी की भी एक तरफ से एक मंच है। और यहाँ से विभिन्न राज्य से बहुत लोग आएंगे, पार्टिसिपेंट आएंगे, गेस्ट आते हैं, उसको उन लोगों का सबको रुकने के लिए ठहरने के लिए व्यवस्था हम लोग कर रखा है। और आपसे भी मीडिया माध्यम से मैं आग्रह करता हूँ, आपसे जो कितने जुड़े हुए लोग हैं जो आप आ जाएँ, साथ साथ जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके अभिभावक हैं उनको भी सूचना दे दें, ऐसे भी चीज़ एक चलता है उस पर आकर के वो भी अपने जानकारी हासिल करें। वो बच्चे किसी का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है तो और इसी पे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने चाहते हैं, उसका एक तरफ से एक रास्ता है, उसको भी हम लोग आगे उनका पूरा बढ़ावा देने के लिए हम मदद करेंगे उसका। हाँ, इस पे जो कितने लोग राष्ट्र स्तर पे टैलेंट होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, उन लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम लोग लेके जाते हैं। ये एसोसिएशन का यही उद्देश्य है, इस पे जो हम लोग एक तरफ टैलेंट हंट करते हैं, जो बच्चे हैं कौन अच्छे है बेहतर है इंटरनेशनल लेवल का, वो हम लोग का देश का एक तरफ रिप्रेजेंट कर सकता है, उसी के एक तरफ मान लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस भी साथ साथ चलता है। हाँ, इनको मान लीजिए नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेशन होता है, ज़रूर उनको आरक्षण है, वो आरक्षण के हिसाब से उन लोग छूट मिलता है, दो तरफ का छूट मिलता है। एक मान लीजिए विकलांगजन का जो 3% तो आरक्षण तो है ही है, उसके अलावा नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे आप जीतेंगे उसके लिए भी आरक्षण ज़्यादा है, यानी जो आपका मेरिट ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको जो नौकरी मिलने का जो है वो क्षमता ज़्यादा हो जाता है, मतलब आपका।